माय डियर स्टूडेंट नमस्कार। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर द्वितीय में जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, खेल संगठन और प्रबंधन, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो हम आपको बताने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट, इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट, नेचर एंड स्कोप एंड स्पोर्ट मैनेजमेंट, एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट। तो इसका पहला प्रश्न है, इकाई फर्स्ट, पहला, खेल प्रबंध में कौन सी गतिविधियाँ सम्मिलित हैं? तो प्रयोग सभी सम्मिलित हैं, सभी विद्यार्थियों को खेल के लिए जागरूक करना, खेलों के लिए प्रशासन द्वारा प्रशिक्षकों की नियुक्ति संबंधी कार्य, विद्यालय के खेल संबंधी कार्य। अब दूसरा है, खेल प्रबंध किसी खेल को कराने और करने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है जो प्रारंभ रहती है। तो इसका आंसर ये है, जब तक कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो जाती। तीसरा है, खेल प्रबंध को विज्ञान न मानने वाले का तर्क है कि, उपयोग सभी हैं इसके, जो उपयोग सभी वाले हैं उपयोग सभी है, जैसा कि आप देख, खेल प्रबंध एक अधिकारी व्यवस्था है तो इसका भी सही, अधिकार तथा शक्तियों से परिपूर्ण है और दायित्व निर्वहन पर बल देती है। खेल प्रबंधन का उद्देश्य, तो इसको प्रयोग सभी है, निष्कर्षों के आधार पर उद्देश्य प्राप्त करना, साधन सहायता और कार्य पद्धति आदि तत्वों का इस्तेमाल करना, भौतिक एवं मानवीय साधनों में सामान्य स्थापित करना। अगला है, वह प्रक्रिया जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है, तो वही प्लानिंग यानी सी, योजना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति खेल उपकरणों की देखरेख एवं प्रकाश आदि की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होती है? तो इसका यह तकनीकी समिति। अगला है, किसी संस्थान की चार दीवारी के अंदर खेले जाने वाले खेल कहलाए जाते हैं? तो इसका बी, इंट्राम्यूरल्स। किसी संस्थान की चार दीवारी के बाहर खेले जाने वाले खेल को क्या कहते हैं? तो एक्स्ट्रा म्यूरल। अंदर खेले जाते हैं उनको इंट्रा, जो बाहर खेले जाते हैं एक्स्ट्रा। सशक्तिकरण एम्पावरमेंट मूल्यों का एक व्यवस्थित अध्ययन है जो हमारे मार्गदर्शन बनते हैं तो ये निर्णय लेने में। अंतरविद्यालय कार्यक्रम विद्यालयों में किस भावना को बढ़ाते हैं? तो इसका भी है, भागीदारी या शामिल होना। खेल कार्यक्रम आयोजन के लिए पहला कदम कौन सा है? तो है प्लानिंग। शारीरिक शिक्षक की शिक्षा में अधिक प्रतिकूल प्रभाव छोड़ने वाले कारक हैं? तो ये सी, रोजगार की कमी। निम्नलिखित में से कौन स्कूल स्वास्थ्य प्रोग्राम से संबंधित नहीं है? तो इसका है, रोगों का इलाज सी। किस स्तर की शिक्षा में इंट्राम्यूरल खेल प्रतियोगिता सबसे उपयुक्त होती है? तो बी, सभी स्तरों पर, कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय। 19, खेल प्रबंध को एक सार्वभौमिक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका डी सही है, इस सभी, बैकेट ने भी, हैमन ने भी, टेलर ने भी। खेल प्रबंध की एक प्रमुख विशेषता है तो ये खेल सार्वभौमिक है, खेल एक उद्देश्यपूर्ण है ये, और ये टेक्निकल भी है, इस सभी। खेल प्रबंध का तात्पर्य किसके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों से है? तो ये सभी, ये सभी। जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ए, हेनरी फयोल। खेल प्रबंधन के क्षेत्र में शामिल है तो डी, ए सभी, कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था एवं सामग्री, कर्मचारी। खेल संबंध का प्रमुख सिद्धांत है तो इसका भी ए सभी उत्तर है, श्रम का विभाजन, अधिकार, निर्देश की एकता। इनमें से कौन खेल प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? ए, गतिशीलता। खेल प्रबंध को कहा जा सकता है तो बी, विज्ञान एवं कला दोनों कहा जा सकता है। खेल प्रबंध की प्रकृति को किसने सार्वभौमिकता के रूप में परिभाषित किया? तो इसका फयोल, बी। किसने खेल प्रबंध की प्रकृति को कला और विज्ञान दोनों के रूप में डिफाइन किया है? तो बी, फेयोल। निम्न में से किसने खेल प्रबंध को प्रकृति को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है? तो ए, ब्रेंच ने। किसने कहा कि प्रणाली अंतः क्रियाशील तत्वों का संकलन है? तो बी, मार्टिन ने। खेलों का प्रबंध क्यों जरूरी है? इसका डी, उपरोक्त सभी। खेल प्रबंध का एक विस्तृत रूप है क्या है? डी, ये सभी। इनमें से कौन खेल प्रबंध के स्वरूप तथा उदाहरणों को स्पष्ट करता है? तो डी, ये सभी। निम्न में से प्रबंधन की हानियाँ हैं? तो डी, ये सभी। प्रबंध की विविध परंपरागत विधियाँ कौन सी हैं? तो ये सभी, जैसा कि आप देख रहे हैं 37, 37, 47 का ये सभी सभी उत्तर इनके सही है। इसका अब 40 में देख लेते हैं, कार्यालय प्रबंधन का मूलभूत ढांचा संबंधित नहीं है? डी, खेल क्षेत्र का निर्माण शास्त्र से। 41 का भी सभी है, वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये टेलर द्वारा। आर्थिक अवस्था किन तत्वों के लिए आवश्यक होती है? तो ये उपकरण खरीदने के लिए। निम्न में से किस विद्वान ने प्रबंधन की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो बी, जॉर्ज टेरी। हेनरी फयोल के सिद्धांतों में शामिल हैं तो ये सभी, कार्य विभाजन, उत्तरदायित्व, अनुशासन। निम्न में खेल प्रबंधन का सिद्धांत है? बी, कार्य विभाजन। निम्न में से प्रबंधन में व्यवहार का सिद्धांत दिया? तो ये मैक्स वेबर ने। आरंभ में प्रबंध के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है था? तो ये था संगठन, डी। प्रबंध में वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो बी, फ्रेडरिक टेलर ने। मैक्स वेबर ने प्रबंधन के लिए नौकरशाही के कितने सिद्धांत दिए? तो बी, 7। खेल प्रबंधन का कार्य क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? तो सी, कार्मिक। निम्नलिखित में से खेल प्रशासन की श्रेष्ठ पद्धति है? तो सी, स्वतंत्र। अंतरसदनीय प्रतियोगिताएं महत्वपूर्ण होती हैं तो इसका उत्तर है, विद्यालय स्तर के लिए। शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में प्रबंधन की निम्न में से क्या संभावना रहती है? तो ये सभी रहती है। शारीरिक शिक्षा और खेलकूद कार्मिक प्रबंधन के 100 मूल्यांकन
कि निम्न में से क्या तत्व हैं जिसका डी कमजोरियां, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में प्रबंधन के क्षेत्र कौन से हैं, तो बी कार्मिक प्रबंधन। शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में निम्न में से क्या कार्मिक प्रबंधन के उद्देश्य नहीं है, तो इसका सी उत्तरदायित्व की भावना। खेल प्रबंधन को किन कारणों से महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो इसका उत्तर भी सभी। प्रबंधन को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक तत्व है, तो ये सभी उत्तर हैं। धन प्रबंधन कहलाता है, तो ये वित्तीय कल्याण। खेल प्रबंधन का कार्य क्या होता है, तो योजना सबसे पहले योजना, बी आयोजन, नेतृत्व एवं नियंत्रण। जिस क्षेत्र में खेल प्रबंधन को प्रदर्शन करना चाहिए उसे सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो ये खेल प्रबंधन का क्षेत्र। उद्यम खेल संगठन को समग्र रूप से देखने की क्षमता क्या कहलाती है, सी वैचारिक कौशल। खेल उद्योग में करियर विकल्प में सम्मिलित है, तो डी ये सभी। निर्देशक, कार्यक्रम, एजेंट, ये सभी। खेल प्रबंधन कहलाता है, तो इसका है कला और विज्ञान दोनों कहलाता है, सी। इनमें से कौन सा क्रमादेशित खेल का प्रथम चरण है, तो ये योजना। खेल प्रबंधन श्रृंखला की अंतिम कड़ी है, तो इसका आंसर है बी नियंत्रण एवं मूल्यांकन। GAISC का अर्थ क्या है, तो पहला ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। खेल प्रबंधन के लिए जरूरी योग्यताएं और दक्षताएं कौन सी हैं, तो ये सभी योग्यताएं जरूरी है। व्यवसाय ज्ञान भी होना चाहिए, संचार कौशल भी होना, ग्राहक केंद्रित होना, नवाचार होना, खेल के लिए जरूरी भी होना चाहिए सब। खेल प्रबंधन के लिए जरूरी कौशल कौन से हैं, तो प्रयुक्त सभी हैं। व्यक्तिगत कौशल, टीम वर्क, संचार कौशल, निर्णय कौशल, संगठनात्मक कौशल और मजबूत मूल प्रणाली। प्रबंधनों के कितने प्रकार हैं, इसका है तीन प्रकार, सी। प्रबंधकों के कौन सा रूप मान्य है, डी ये सभी। महाप्रबंधक, कार्यात्मक प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक। प्रबंधन के कितने स्तर हैं, तो सी तीन। खेलों में कौन से लाभ होते हैं, तो सभी लाभ होते हैं जितने। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वर्कर कप प्रदान किया जाता है, तो सी मुक्केबाजी। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है, तो बी ICC। सयाली गोखले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो ए शतरंज से। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, सी निशानेबाजी से। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो बी गोलक से। सवाई मानसिंह स्थित है, तो जयपुर में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ अव्यवस्थित है, तो ए कोलकाता में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अव्यवस्थित है, बी कानपुर में।